गुड मॉर्निंग. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7. ओके, द पीपल प्रेसिडेंट. लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन. द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क. APJ अब्दुल कलाम. यानी अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि आकाश में देखो और हम अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है. यानी जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग सपने देखते हैं वो अच्छे काम भी करते हैं, साजिश काम की साजिश मतलब करते हैं. एबुल फकीर, जैनुलब्दीन, अब्दुल कलाम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट ही वॉज वेल नोन साइंटिस्ट. डॉक्टर कलाम केम फ्रॉम a humble background. He was the youngest of 5 children in a poor family. His father Jaluddin on a ferry boat and his mother was a homemaker. They live in a Rameshwaram on Pamban island in Tamil Nadu. Kalam took up odd job to contribute to his family income, but he never neglected his studies. At school, Kalam was a bright and hardworking student. He was curious to learn new things. He enjoyed studying for hours. His favorite subject were mathematics and physics. यानि जो इनके जो father थे और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो 11th president of India के president थे. और ये president से पहले बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे. और डॉक्टर कलाम जो थे वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. ही वॉज ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. हिज फादर, इनके जो फादर थे वो एक बोट थे, यानी जो नाव चलाते हैं, नौका, ठीक है, जो नाव चलाते हैं वो इनके फादर थे. और इनकी जो मदर थी वो होम मेकर थी, जैसे कि घर पे रहती थी, मतलब होम मेकर थी. दे लीव इन रामेश्वरम, यानी वो तमिलनाडु के इस प्लेस पे रहते थे, रामेश्वरम इसलैंड तमिलनाडु के. और कलाम जो थे वो जॉब भी करते थे, क्योंकि उनके इनकम, उनकी जो फैमिली की इनकम थी वो बहुत कम थी, सो इसलिए उन्हें जॉब भी करना पड़ा. बट वो कभी भी अपने स्टडीज़ के साथ, अपने पढ़ाई के साथ, पढ़ाई को नहीं छोड़े, वो अपने पढ़ाई को भी साथ में करते रहे. वो जॉब भी पार्ट टाइम करते रहें और साथ में अपनी पढ़ाई को भी वो बहुत अहमियत देते थे. ठीक है, देखो लिखा है ना, बट ही नेवर निगलेक्टेड हिज स्टडीज़. वो कभी भी अपने स्टडीज़ को निगलेक्टेड नहीं किए. एट स्कूल में वो कलाम जो थे वो बहुत हार्ड वर्किंग थे एंड ब्राइट थे, यानी सबसे अच्छे स्टूडेंट थे. और ये इनको बहुत मन करता था कि हर एक नया चीज़ को सीखने का बहुत शौक था. ही इन्जॉय स्टडिंग फॉर आवर्स, और इन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. यानी बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा आवर्स पढ़ना इन्हें बहुत पसंद था. और इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ था एंड फिजिक्स था. नेक्स्ट, कलाम वेंट ऑन टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज. यंग कलाम ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग a fighter pilot in the Indian Air Force, but missed the chance by a single rank. He stood 9th and only the first 8 were selected. This did not hold him back. He studies hard, work hard, led a simple life and become a scientist. He designed a small helicopter for the Indian Army. Later, he played a major role in India space program. He also helped in building missiles for the country defense, which earned him the nickname Missile Man of India. ठीक है, जो कलाम थे वो बहुत अच्छी मेहनत करके वो इंजीनियरिंग किए थे कॉलेज से. और जो इन्होंने ड्रीम देखा था कि ये ये बनेंगे एयरफोर्स में, एक पायलट बनना चाहते थे, ये ड्रीम भी देखे थे ये. बट मिस्ड द चांस बाय अ सिंगल रैंक, एक नंबर से ये चुक गए. जैसे कि
ये 9th वाले मतलब 9वें स्थान पे ये आए, और ओनली द फर्स्ट 8 वर सेलेक्टेड, और 8 लोग ही सेलेक्ट हुए थे। दिस डिड नॉट होल्ड हिम बैक, ये वापस नहीं आता। ही स्टडी हार्ड, लेकिन इन्होंने बोला मैं स्टडी फिर से मैं पढ़ाई करूँगा और बहुत हार्ड मेहनत करूँगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। वर्क हार्ड, लेट अ सिंपल लाइफ एंड बिकम अ साइंटिस्ट। तो वो थोड़े साइंटिस्ट भी थे, तो इसलिए वो एक हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए थे इंडियन आर्मी के लिए। सो ही प्लेड अ मेजर रोल इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाया था छोटा सा। तो ही ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग मिसाइल फॉर द कंट्री डिफेंस, उन्होंने विच अर्न हिम द निक नेम मिसाइल ऑफ मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस नाम से इन्होंने यानी इन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाया था इंडिया आर्मी के लिए, और साथ में जो मिसाइल यहाँ से इंडिया से मिसाइल बना था उसमें भी इन्होंने हेल्प किया था, बहुत सारा अपना हेल्प योगदान दिया था उस मिसाइल को बनाने के लिए। सो इसलिए इनका नाम हो गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो ये आप अच्छे से एक बार फिर से रीड करिएगा, रीड करने के बाद अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है।